कराची के इलाका मोहम्मद खान गौट मेहरान टाउन से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर मकामी सिंधी शरपसंद अनासर गुंडा सिफ्त बनाम जर मोहम्मद मोहम्मद इकबाल यूसुफ अली हसन और बीस अदद नामालूम गुंडे जो मसीहियों के प्लाटों पर कब्जा करते हैं नीर परवेज मसीह के घर हमला कर दिया। परवेज मसीह ने मुतलका थाने में दरख्वास्त दायर की है कि जिस प्लाट का केस 2022 से अदालत में चल रहा है बनाम परवेज मसीह वल्द इमैनुअल से घर, उस घर की चार दीवारी गिरा दी गई और चार दीवारी के तकदस को पामाल किया गया और बिला तफरीक मेरे घर वालों पर तशद्दुद किया गया और औरतों को हरासा किया गया, जबकि केस वापस न लेने पर जान से मारने की खुलेआम धमकियां देते हुए असला लहराते हुए खुलेआम लोगों को जदोकोब किया है। मेरे मोहल्ले के लोगों ने मौका पर पहुंचकर मेरी और मेरे खानदान की जान बचाई है। मेरी आला हकाम से अपील है कि इन गुंडों पर FIR दर्ज की जाए और मुझे और मेरी फैमिली को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए।